अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग असाइनमेंट करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ की। कोड है 301, असाइनमेंट नंबर 1। काइंडली आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक दैट द टू नेशन थ्योरी बिकम्स द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? जस्टिफाई योर आंसर विद द फाइव रेलिवेंट पॉइंट्स। फाइव रेलिवेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसके सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है और उसके अलावा फाइव रेलिवेंट पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोगों ने बताना है टू नेशन थ्योरी थी क्या और इसने पाकिस्तान के बनने के लिए एक बेसिक का काम किया था। और टू मेन नेशंस वहाँ पर रह रही थी। द मुस्लिम्स आर नॉट अ कम्युनिटी बट अ नेशन। ये मेन पॉइंट है कि मुस्लिम्स एक कम्युनिटी नहीं थी, एक अलग से वहाँ पे कौम थी, उनका अलग से हिस्ट्री थी, अलग हेरिटेज था, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड द फ्यूचर एस्पायरेशंस। यानी मुसलमान मुकम्मल तौर पे हिंदू कौम से, दूसरी इंडियन कौम से बिल्कुल अलग थे। उनका रहन सहन, खाना पीना, सिविलाइजेशन सब कुछ वहाँ पे अलग था। सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने सोल्यूशन में ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद हम लोग आ गए फाइव रेलिवेंट पॉइंट्स पर। तो मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है एंड एडवांस देयर इंटरेस्ट इन द इंडिया, ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज़, दे वांटेड टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन द अकॉर्डेंस विद देयर आइडियाज़ एंड द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय अ अनसिम्पैथेटिक मेजॉरिटी। इसमें भी ये बताया हुआ है कि मुसलमानों के तमाम जो है वो उनसे अलग थे, उनका रहन सहन, उनका सारा कुछ। दे डिमांडेड सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड अ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद द पावर्स टू द प्रोविंसेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड द एडवांसमेंट ऑफ देयर हेरिटेज। इन मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और अपना आइडेंटिटी सब कुछ और अपने इंटरेस्ट को सेपरेट करना था उनसे, और मुसलमानों को हुकूमत से भी यही चाहिए था, और इसके लिए ऐसी हुकूमत का होना ज़रूरी था कि जो मुसलमानों को ये सारा सेफ्टी मेयर्स प्रोवाइड कर सके। तो ये कुछ सेवन पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। काइंडली आप लोग यहाँ से स्क्रीन शॉट्स ले लीजिएगा और आप लोग इसको फिर बाद में आराम से उनसे इसको आप देख कर तो लिख सकते हैं। काइंडली आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको अपलोड करें। ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वर द सोशो इकोनॉमिक एंड द रिलीजियस कॉज बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी के लिए जो जंग थी उसके लिए मेन क्या थे, सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉजेज क्या थी उसकी वहाँ पे सेपरेट होने की। तो पहले बताना है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में थी और इसके ये सोशो इकोनॉमिक बेसिस थे। इसके रेलिवेंट पॉइंट्स हैं कि रूल ऑफ लॉ, ये आप लोगों को फाइव पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर तो अपनी असाइनमेंट पर लिख लीजिएगा। वन इज़ रूल ऑफ लॉ, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी एंड द फेयर प्ले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन स्पाइट ऑफ द कास्ट, सेक्ट, रिलीजन एंड द रीजन, रिलीजियस एंड द कल्चरल टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नॉन मुस्लिम्स एंड द फ्रीडम टू